नागपुर से बिलासपुर के बीच शुरू हाई स्पीड परियोजना का कार्य अब अंतिम चरण में है, लेकिन जिस परियोजना को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की मंजूरी दी गई थी वो अब सिमटकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके पीछे बजट की कमी का कारण बताया जा रहा है। वहीं रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की नाराजगी भी सामने आ रही है। करीब 6 साल पहले केंद्र सरकार ने बजट में सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की घोषणा की थी। उसके बाद ट्रेन को जल्दी शुरू करने का दावा किया गया, लेकिन इस कार की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है। रेलवे बोर्ड ने सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए दक्षिण पूर्व मध्य को कोई बजट नहीं दिया है। इसके लिए अलग से कोई काम नहीं किया जाता। नागपुर से बिलासपुर तक 412 किलोमीटर का काम SECR द्वारा पूरा कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने दुर्ग नागपुर के बीच 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है, उसका काम हो गया है। इसके बाद भी सेमी हाई स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चलेगी। इसके बजाय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपरफास्ट ट्रेनें चलाएगा। बिलासपुर से झारसुरा तक के चौथे रूट का 130 किलोमीटर का रास्ता साफ होने के बाद सभी सुपरफास्ट ट्रेनें इसी रफ्तार से चलेंगी। फिलहाल यात्री परेशान हैं क्योंकि इस रूट पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलेगी। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।